हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। भाई का ज्ञान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों का राशन कार्ड से अगर कोई भी नाम को या कोई भी मेंबर को आप लोग ऑनलाइन डिलीट करना चाहते हो या सरेंडर करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रोसेस क्या क्या होगा। यानी कि आपका फैमिली मेंबर का कोई डेथ हो गया, उसको नाम को आप ऑनलाइन या पर स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, उसको डीएक्टिव कैसे करें, यानी कि उसका जो राशन कार्ड है उसको डिलीट या सरेंडर कैसे करें। तो इसके लिए आपका जो राशन कार्ड है उससे मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो ये काम नहीं कर सकते हो आप ऑनलाइन, तो फिर आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा। तो आपका जो ब्राउज़र है कंप्यूटर पर या फिर मोबाइल पर, उस ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना WBPDS। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं वेस्ट बंगाल का दिखा रहा हूँ। टाइप करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर जो ई सिटीजन बोलकर जो ऑप्शन है यहाँ पर ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई सरेंडर ऑब्लिक कैंसिल एग्जिस्टिंग रेशन कार्ड, सरेंडर और कैंसिल एग्जिस्टिंग रेशन कार्ड, यहाँ पर ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है राशन कार्ड के थ्रू, उस नंबर पर ओटीपी जाएगा। उस नंबर को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। करने के बाद गेट ओटीपी पर ओके करना पड़ेगा। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर को एंटर करता हूँ, फिर गेट ओटीपी पर ओके करता हूँ। मेरा उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो मेरा ओटीपी आ गया है, ओटीपी को एंटर करता हूँ, फिर प्रोसीड पर ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद मेरा जो फैमिली डिटेल्स है, मेरा जितना भी मेंबर हुआ है उस मेंबर का डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। तो नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अप्लाई फॉर्म नंबर 7 टू सरेंडर कार्ड ऑफ योर एग्जिस्टिंग फैमिली, अप्लाई फॉर्म नंबर 7। तो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आप कौन सा मेंबर को सरेंडर करना चाहते हो उसका चेक मार्क करना पड़ेगा। चेक मार्क करने के बाद नेक्स्ट पोल का जो ऑप्शन है, नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर उसका नाम दिखाएगा, फादर नेम दिखाएगा, राशन कार्ड नंबर दिखाएगा, कैटेगरी दिखाएगा, राशन कार्ड कैटेगरी। फिर उसके नीचे यू वांट टू सरेंडर योर कार्ड ड्यू टू व्हाट रीज़न, कौन सा रीज़न के लिए आप लोग कार्ड को सरेंडर कर रहे हो। फैमिली इज़ लिविंग वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल छोड़कर चला गया है इसलिए सरेंडर कर रहे हो, या फैमिली डज नॉट नीड सब्सिडाइज रेशन कार्ड एनी मोर, या जो रेशन कार्ड का सब्सिडाइज है यानी कि जो सामान वगैरह मिलता है वो नहीं चाहिए इसलिए कर रहे हो, या फिर द कंसर्न्ड फैमिली मेम्बर हैव डाइड, या फिर मर गया है इसलिए कर रहे हो। तो मेरा फैमिली मेम्बर वो मर गया है इसलिए मैं डाइट पर ओके करता हूँ। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट या फिर मर गया है उसके रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट हो, तो यहाँ पर चूज फाइल करके, फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इट्स ओके, आई एग्री, आई डोंट नीड टू मेक एनी फर्दर चेंज टू माई एप्लीकेशन, यहाँ पर ओके करना पड़ेगा। चेक मार्क पर ओके करने के बाद प्रोसीड पर ओके करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, फाइल चाहे साइज़ ग्रेटर देन 100 KB, तो आपका जो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो उसका साइज़ 100 KB के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरा है तो मैं इसको थोड़ा कंप्रेस्ड कर लेता हूँ, इसके बाद फिर दोबारा सा सबमिट करता हूँ। तो फिर से मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो इस ओके पर चेक मार्क करके फिर प्रोसीड पर ओके। तो फ्रेंड फिर से मेरा जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके सबमिट ओटीपी पर ओके करना पड़ेगा। तो मैं गेट ओटीपी कर दिया हूँ, अभी मेरा नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आ गया है, अभी यहाँ पर डालता हूँ, फिर सबमिट ओटीपी पर ओके करता हूँ।
तो देखिए फ्रेंड, सक्सेस थैंक यू राशन कार्ड एप्लीकेशन सरेंडर ऑफ मेंबर्स नंबर, सब सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसको जस्ट आप लोग पिन करके या सेव करके रख दो। तो ऐसे ही फ्रेंड, आपका फैमिली मेंबर का राशन कार्ड को आप लोग सरेंडर कर सकते हो ऑनलाइन। तो कैसा लगा फ्रेंड वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहना। धन्यवाद फ्रेंड।